अगस्त का महीना कई बड़े बदलाव लेकर आने वाला है, जिनके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं। जैसे एटीएम से कैश निकालना अब महंगा हो सकता है, साथ ही रिजर्व बैंक की पॉलिसी भी अगस्त के पहले हफ्ते में आ जाएगी। वहीं एलपीजी की कीमतों में भी बदलाव किया जा सकता है। तो क्या क्या बड़े बदलाव अगस्त में होने जा रहे हैं, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। अगस्त की शुरुआत महंगाई से बढ़ती परेशानी की खबरों के साथ हो सकती है। अगस्त से आपकी जिंदगी में कई बड़े बदलाव शुरू होंगे जो पूरे महीने चलेंगे, जिनमें एटीएम, सैलरी, पेंशन, ईएमआई से जुड़े कई नियमों में बदलाव होगा। 1 अगस्त से एटीएम लेन देन महंगा होने जा रहा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक के आदेश के बाद 1 अगस्त से बैंक एटीएम पर इंटरचेंज चार्ज में 2 रुपए की बढ़ोतरी कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक ग्राहक अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकेंगे, जिससे ग्राहक दूसरे बैंक के एटीएम का उपयोग करके मेट्रो सिटी में 3 और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। वहीं अब अगस्त से आईसीआईसीआई बैंक की बैंकिंग सेवाएं महंगी होंगी। आईसीआईसीआई बैंक ने एटीएम ट्रांजैक्शन और चेकबुक को लेकर नियमों में बदलाव किया है, जिसके चलते रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक हर महीने 4 कैश ट्रांजैक्शन फ्री देता है, लेकिन अब फ्री लिमिट के बाद हर ट्रांजैक्शन पर 150 रुपए देने होंगे। वहीं वैल्यू लिमिट जमा और निकासी में होम ब्रांच और नॉन होम ब्रांच दोनों ही ट्रांजैक्शन शामिल हैं। साथ ही अब सैलरी, पेंशन, ईएमआई से जुड़े नियम बदले जाएंगे, क्योंकि आरबीआई ने नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस NACH के नियमों में बदलाव किया है। इस बदलाव के तहत अब आपको अपनी सैलरी के लिए या पेंशन के लिए शनिवार और रविवार यानी वीकेंड के गुजरने का इंतजार नहीं करना होगा। ये सेवाएं आपको पूरे हफ्ते मिलेंगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पिछले महीने ही ये ऐलान कर दिया था। वहीं अब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ने वाला है। 1 अगस्त से ही एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव आ जाएगा। बता दें कि हर महीने की पहली तारीख को घरेलू रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय की जाती हैं। वहीं अगस्त में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने नए क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान करेगा। बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ब्याज दरों में बदलाव पर फैसला करेगी। MPC की ये बैठक 4 से 6 अगस्त के बीच होनी है। वहीं 6 अगस्त को पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बता दें कि MPC की ये बैठक साल में 6 बार होती है। TB लाइव की रिपोर्ट।